अफगानिस्तान से वापसी के बाद पहली बार अमेरिका और तालिबान के बीच वार्ता होने वाली है। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से निकलने की चाह रखने वाले विदेशी नागरिक और अफगान नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए अमेरिका ने इस मुलाकात का फैसला लिया है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने वाले तालिबान को आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट की ओर से लगातार चुनौती मिल रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को अफगानिस्तान के कुंदूज स्थित मस्जिद में आतंकी समूह ने हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। अफगानिस्तान के कुंदूज शहर स्थित मस्जिद के भीतर हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस हमले में 80 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए। जब विस्फोट हुआ तब इलाके में रहने वाले शिया मुसलमान बड़ी संख्या में नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आए हुए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के चहेते इंटेलिजेंस चीफ फैज हमीद की विदाई को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें एक बड़ा फैक्टर अमेरिका भी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनके मतभेद और बिना मंजूरी के काबुल जाने के कारण उन्हें इस पद से हटाया गया है। अमेरिकी नौसेना की पनडुब्बी दक्षिण चीन सागर में किसी अज्ञात चीज से टकरा गई। अधिकारियों ने कहा कि इस दुर्घटना में 11 नाविक मामूली रूप से घायल हुए हैं। 2 नाविकों को मध्यम दर्जे और 9 अन्य को हल्की चोटें आई हैं। सभी का उपचार पनडुब्बी में ही कर लिया गया। नेपाल में शुक्रवार को प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 17 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इन्हें मिलाकर देउबा सरकार में कुल 25 मंत्री हो गए हैं, इसमें से 22 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री हैं। फेसबुक द्वारा विभाजनकारी नीतियों को बढ़ावा देने, बच्चों को नुकसान पहुंचाने और सुरक्षा के ऊपर मुनाफे को तरजीह देने के आरोपों के बीच टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर मार्क जुकरबर्ग की तस्वीर छापी है। इसके साथ सवाल है कि आप फेसबुक को डिलीट कर दें। इसके साथ 2 विकल्प भी दिए हैं, कैंसिल या डिलीट। चीन के सीनियर जनरल झांग जुडोंग की बीमारी के कारण 58 साल की उम्र में मौत हो गई है। वो जून 2021 तक वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख थे। सैन्य सूत्रों के हवाले से मिनी चैन ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में लिखा कि झांग को बीमारी के कारण देश के सबसे बड़े मिलिट्री थिएटर के प्रमुख के पद से हटाना पड़ा। चीन इस समय गंभीर बिजली संकट का सामना कर रहा है। इसका दुष्प्रभाव चीन पर पूरी सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मोटे तौर पर इस संकट का कारण कोयले पर चीन की निर्भरता है। यूएनएससी ने अफगानिस्तान ने शिया मस्जिद में हुए हमले की निंदा की है। बीते दिन उमरी कुंदूज प्रांत में हुए घातक हमले की निंदा करते हुए परिषद ने कहा कि अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और आतंकवाद के प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने की आवश्यकता है। तालिबान को वैश्विक मान्यता दिलाने की रट लगाए हुए पाकिस्तान ने एक बार फिर आतंकी संगठन से बातचीत पर जोर दिया है। पाक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन से मुलाकात के दौरान कहा है कि दुनिया को तालिबान से जुड़ाव बनाना चाहिए। अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन की हाल में संपन्न हुई भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ करने का मौका मिला है। इस दौरे पर अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने को लेकर कुछ प्रमुख वार्ताकारों के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़ने का अवसर मिला है। कोरोना के कोविशील्ड वैक्सीन को ब्रिटेन द्वारा मान्यता न देने और भारत में ब्रिटेन जाने वालों को 10 दिन की क्वारंटीन की अनिवार्यता से दोनों देशों के बीच पैदा हुआ गतिरोध खत्म हो गया है। ब्रिटेन की तरह ही हंगरी और सर्बिया ने भी भारत के साथ कोरोना टीकों को परस्पर मान्यता पर सहमति दे दी है। अफ्रीका में हुए परीक्षणों के बाद WHO ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीन लगने के बाद मलेरिया से लड़ने की क्षमता करीब 70% बढ़ जाएगी और इसका 450 बच्चों पर एक साल तक परीक्षण हो चुका है।
इसी महीने 1 अक्टूबर को चीन के राष्ट्रीय दिवस समारोह से ठीक पहले पूर्व उप प्रधानमंत्री सुन लिजोन को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया। उन पर ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के किसी आरोप में नहीं हुई, बल्कि अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्होंने कोई ऐसा बड़ा राजनीतिक अपराध किया था जो कि तख्ता पलट की कोशिश जैसा था। हाल ही में अमेरिका ने चीन को यह आश्वासन दिया है कि ताइवान के मामले में उसका अपनी नीति बदलने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन एक ताजा खुलासे से ये सामने आया है कि अमेरिका के सैनिक प्रशिक्षक कम से कम 1 साल से ताइवान में तैनात हैं। इस खबर को चीन से अमेरिका की जारी प्रतिद्वंदता के बीच दाव और बढ़ाने वाले एक और कदम के रूप में देखा गया है। अफगानिस्तान से सेना वापस बुलाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि इसके साथ ही विदेशों में अमेरिका के सैनिक अभियानों को खत्म किया जा रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका आतंक के खिलाफ दुनिया में कुल कितने अभियान चला रहा है, इस बारे में अभी तक खुद अमेरिका के लोगों को पूरी जानकारी नहीं हुई है। हैदराबाद में बीते दिन हुई जबरदस्त बारिश में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई घरों में पानी भी घुस गया है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगातार तेज बारिश के बाद ये हालात बने हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी हिंसा की पेशेवर और वैज्ञानिक जांच की जाएगी। इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी क्योंकि कोई भी कानून ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों और डॉक्टरों द्वारा मरीजों से अधिक शुल्क लेने संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए वो एक तंत्र बनाएगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीबी नागरत्ना की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर ये बात कही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विस अब बहाल हो गई है। फेसबुक ने कहा है कि आज की समस्या का सोमवार की समस्या से कोई भी लेना देना नहीं है। फेसबुक ने बताया कि आज कॉन्फ़िगरेशन चेंज के कारण समस्या आई, जिसे अब ठीक कर दिया गया है। बता दें कि कुछ यूजर्स को शुक्रवार देर रात तक एक सप्ताह में दूसरी बार सर्वर डाउन होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ा था। आगामी 20 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में कामकाज पहले की तरह सामान्य तौर पर शुरू हो जाएगा। इसके मद्देनजर कोर्ट ने शुक्रवार को SOP जारी कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि मामलों की सुनवाई में हाइब्रिड मोड काम नहीं कर रहा है और इसीलिए अदालतों को सामान्य रूप से कामकाज करना होगा। भारत ने असम में अतिक्रमण विरोधी अभियान से संबंधित एक घटना को लेकर गलत बयान देने के लिए OIC को जमकर फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि OIC को उसके आंतरिक मामलों पर बयानबाजी करने का कोई हक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फ्रेडरिक्सन की अगवानी की, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। फ्रेडरिक्सन 9 से 11 अक्टूबर तक 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। देश में कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है। कोरोना के 20,000 से कम मामले सामने आए हैं। कोरोना के एक्टिव केस 206 दिनों में सबसे कम हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 19,740 नए मामले सामने आए और 248 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार 1.5 साल में 32 बार कर्ज ले चुकी है। भाजपा सरकार ने प्रदेश की योजनाओं और विकास से जुड़े कामों के लिए 18 महीने में 51,000 करोड़ का कर्ज दिया। सरकार ने पिछले महीने सितंबर में 2,000 करोड़ का कर्जा लिया था, जिसे मिलाकर अब प्रदेश पर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। इससे कोरोना से निपटने पर कुछ खर्च हुआ है। भाजपा की सरकार पिछले साल 30 मार्च 2020 को बनी थी। शाहजहापुर का जिला अस्पताल चोरों के निशाने पर है। चोर ऑक्सीजन की पाइपलाइन चुराकर फरार हो गए। ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी अस्पताल से पाइपलाइन चोरी हो चुकी है, लेकिन अब तक चोरी का खुलासा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। शिवराज सरकार ने शिक्षा विभाग को 2018 में परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की भर्ती करने के निर्देश दिए थे। शिक्षा विभाग ने ज्वाइनिंग प्रक्रिया को हरी झंडी दिखाते हुए पहले चरण के चयनित शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। सागर में भी वर्ग 1 के 370 से ज्यादा शिक्षकों का चयन हुआ है। इन सभी की ज्वाइनिंग भी शुरू हो गई है।
नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने के बाद से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। इसी तरह नसरुल्लागंज नगर में करीब एक दर्जन स्थानों पर मां दुर्गा के पूजा पंडाल लगाए गए, जिसमें मां दुर्गा, काली सहित भगवान शिव और भारत माता की प्रतिमाएं विराजित हैं। इंदौर में रियल एस्टेट कंपनी के सेल्स डायरेक्टर देवांशु मिश्रा की हत्या में नया खुलासा हुआ है। किन्नर सहित गिरफ्तार तीन आरोपियों ने पुलिस को बताया कि तीनों नशा करने के बाद ढाबे पर खाना खाने जा रहे थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए लूट की प्लानिंग की। मृतक देवांशु के विरोध करने पर उसे चाकू मार दिया। दरअसल पूरी घटना 7 तारीख की रात 2 बजे की है। नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह अपनी कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा में हैं। वो फेसबुक पर सेंड द पिक कैंपेन के जरिए जनता की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। कलेक्टर रोहित सिंह गाडरवारा के सरकारी हाई स्कूल पहुंचकर बच्चों से खेलकूद को लेकर बातचीत की, साथ ही खेल मैदान में साफ सफाई के निर्देश भी दिए हैं। पूर्व उप सरपंच राजेंद्र पटेल से पिछले 5 साल में विकास कार्यों की जानकारी। बटियागढ़ में एक ट्रक परिवार के लिए काल साबित हुआ हादसा अंजनी टपरिया गांव में, जिसमें 3 बच्चों की मौत हो गई। पति पत्नी की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि हरिराम अपने 3 बच्चों के साथ घर में सो रहा था। पत्नी नेहा बीड़ी बना रही थी और तभी गिट्टी से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर घर में घुस गया। परिवार के सभी सदस्य गिट्टी से घिर गए। खैरागढ़ में गंडई धमदा मुख्य मार्ग पर एक महिंद्रा जीप पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में जीप सवार 4 लोग घायल हो गए, जबकि एक युवक की हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 3 घायलों को शासकीय हॉस्पिटल राजनांदगांव रेफर कर दिया गया है, जबकि घायल को गंडई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बंडा में सीएमएचओ ने बंडा और शाहगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बीएमओ अमित अमाची की तारीफ की, तो वहीं टीवी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए बीएमओ को निर्देश दिए हैं। साथ ही मोबाइल टीम बनाकर सभी का 100% वैक्सीनेशन कराने के लिए समस्त स्टाफ को निर्देशित किया गया है। पन्ना जिले के गुन्नौर में धर्मपुरा गांव के ग्रामीणों ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने और आरोपों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि नौजवान और बुजुर्ग शराब नशे में धुत होकर गाली गलौज और मारपीट करते हैं, जिससे परेशान ग्रामीणों ने असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग की है। मगरौन में दुर्गा उत्सव को लेकर उमंग उत्साह और श्रद्धा भक्ति का माहौल देखने को मिला। दुर्गा मंदिर और शक्ति पीठों में सुबह शाम श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग रही हैं। अलग अलग स्थानों पर मां की झांकियां सजाई गई। तीर्थ स्थानों की प्रतिकृतियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी है। राजनांदगांव के फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि सोमनी थाना क्षेत्र में एक बच्चे के साथ उसके मामा के दोस्त ने बलात्कार किया। आरोपी मासूम को अपने साथ संगीत कार्यक्रम में ले गया और सुनसान जगह पाकर बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी हत्या कर दी। झांसी के गुरसराय में एक युवक की चाकू से गुदकर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान 23 वर्षीय राहुल सोनी के रूप में हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा सहित पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर जांच की। युवक के गले और शरीर पर कई बार चाकू से प्रहार के निशान है। हालांकि हत्या कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन कई अपराध पुलिस के हाथ में। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी दलों के नेता सूबे की सरकार पर और व्यवस्था पर सवाल निशान खड़े करते नजर आ रहे हैं। अकबरपुर रनिया से बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला ने अपनी सरकार में तैनात अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया है। मामला कानपुर देहात के आरटीओ कार्यालय से, जहां अवैध वसूली को लेकर विधायक ने यह धरना दिया। नागपुर में इस बार भी आरएसएस का विजयदशमी उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन कार्यक्रम सीमित रहेगा। इसमें 200 स्वयंसेवक ही हैंड गेवार स्मृति भवन में शामिल होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत शस्त्र पूजन करेंगे और उद्बोधन देंगे। सोशल मीडिया में उनके भाषण का ऑनलाइन प्रसारण होगा। पहले इस कार्यक्रम में 5,000 लोग शामिल होंगे। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 2 अक्टूबर से हिरासत में हैं। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी के मामले में एनसीबी ने उन्हें अरेस्ट किया था, जिसके बाद से ही वो सलाखों के पीछे दिन गुजार रहे हैं। शुक्रवार को उम्मीद थी कि आर्यन को जमानत मिल जाएगी, पर सारी आशाओं पर पानी फिरते हुए मुंबई की किला कोर्ट ने जमानत याचिका रद्द करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। क्रूज शिप रेड मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए एनसीबी ने मुंबई के बांद्रा इलाके में फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री के आवास और कार्यालय पर छापेमारी की है। बता दें कि वही इम्तियाज खत्री हैं जिनका नाम एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद ड्रग्स मामले में सामने आया था। बॉलीवुड में पिछले कुछ वक्त से चल रही उथल पुथल के मद्देनजर काजोल की बहन तनीषा ने ट्वीट किया कि बॉलीवुड को मुंबई छोड़ देना चाहिए। तनीषा ने ट्वीट किया कि बॉलीवुड को महाराष्ट्र छोड़ देना चाहिए, मुंबई से बाहर चले जाना चाहिए।
बेटी राशा थदानी के साथ एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जो कि बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। रवीना टंडन अपनी बेटी राशा थदानी के साथ नजर आ रही है। उन्होंने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बेहद अहम सिपाही सरदार उधम सिंह की बायोपिक सरकार में विक्की कौशल शीर्षक रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में कहानी के अनुसार विक्की कई लुक्स और लोकेशंस पर नजर आएंगे। लुक्स को विक्की अपने सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। फाइव अवेक चर्चित हंगेरियन फिल्म लिसा द फॉक्स फेरी का भारतीय रूपांतरण आपके देश को लेकर आ रहा है जो कि एक ब्लैक कॉमेडी फिल्म है। 2015 में रिलीज हुई हंगेरियन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के साथ अवार्ड समारोह में भी सफलता पाई थी। बता दें फिल्म 29 अक्टूबर को Zee5 पर रिलीज होगी। बिग बॉस शो के बीते एक एपिसोड में करण कुंद्रा ने शमिता को आंटी बुला दिया जिसके बाद से सोशल मीडिया पर एज शेमिंग को लेकर करण बुरी तरह से ट्रोल हुए हैं। अब इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें करण अपनी इस गलती के लिए शमिता से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 के एपिसोड में रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा हिस्सा बने। जेनेलिया और रितेश दोनों ने 25 लाख की राशि जीती। रितेश और जेनेलिया ने इस जीती हुई राशि को कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए दान देने की बात कही है। साथ ही इसमें अपनी तरफ से और पैसे जोड़ने का आश्वासन दिया है। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स ने दमदार खेल दिखाया है। टीम के बेहतरीन प्रदर्शन में ओपनर फाफ डू प्लेसिस की अहम भूमिका रही है। वहीं पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने कहा है कि उन्हें इस बल्लेबाज से उम्मीद तो थी लेकिन इस तरह से खेलेंगे ये कभी नहीं सोचा था। आईपीएल के 14वें सीजन से मुंबई इंडियंस को आखिरी मुकाबले में शानदार जीत के बाद भी टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। मुंबई टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद कहा कि इस बार का हमारा सीजन कुछ अच्छा नहीं गया, पूरी टीम ही अपने काम में फेल हुई।